हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अवी। हेलो स्टूडेंट्स, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपके जो बोर्ड क्वेश्चन, ट्वेल्थ के बोर्ड क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट वेटेज, सबसे हाईएस्ट मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है वो यही क्वेश्चन है। ओके, ये हर साल पूछा जाता है। ये मत सोचना कि आपका बुक चेंज हो गया है तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ईजी वे से आपको ये मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में, वीडियो स्किप मत करना बिकॉज फिर बाद में आपको समझेगा नहीं। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। तो हम लोग पढ़ने किसके बारे में, हम लोग वेंट्स ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले, जिसको डिनोट किया जाता है बाय स्मॉल आई। ओके, सो वेंट्स ऑफ फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वेंट्स ऑफ फैक्टर होता क्या है पहले वो जानते हैं। सो वेंट्स ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला है इसी के बेसिस पे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो, अपॉन क्या बोला है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन इसका रहेगा इलेक्ट्रोलिटिक का, वही नॉन इलेक्ट्रोलिटिक का कॉन्सेंट्रेशन रहने वाला है। ओके, सो अभी इसके बेसिस में मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही लिखोगे, वेंट्स ऑफ फैक्टर इज स्टेट दैट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन। बस ये पॉइंट आपको स्टार्टिंग में लिखना है और ये फॉर्मूला आपको लिखना है। ओके, सो ये हो गया आपका हाफ मार्क्स के लिए, या फिर अगर एग्जामिन हम लोग का जो सेट होगा उसके हिसाब से 1 मार्क्स का ये बन जाएगा आपके लिए। मतलब यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल गया ये फॉर्मूला और वो स्टेटमेंट का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग ने जो भी चीज़ें पढ़ी, क्या क्या पढ़ा हम लोग ने, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा। तो ये जो हम लोग का वेंट्स ऑफ फैक्टर है ये सारे के सारे टर्म एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि वो मोलार मास के ऊपर सारे के सारे डिपेंड है। यस और नो, अभी तक मोलार मास में ही पढ़ा ना सबका डेरिवेशन में लास्ट में मोलार मास, तो सबका डेरिवेशन मोलार मास पे खत्म होता है। तो इसके लिए सारे टर्म एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हम लोग का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये हम लोग का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, ये हम लोग का लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला और ये है हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। किया क्या है, हम लोग का जो मेन है अपॉन इनिशियल, मेन अपॉन इनिशियल, मेन अपॉन इनिशियल, मेन अपॉन इनिशियल, ये क्या है हम लोग का टेम्परेचर किसका, फ्रीजिंग पॉइंट का, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का, फाइनल टू इनिशियल, फाइनल टू इनिशियल, जितने भी है फाइनल टू इनिशियल, फाइनल टू इनिशियल। तो ये सारे के सारे टर्म क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, सो ये ध्यान दो, तो जितने भी हम लोग के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म है 4 टर्म, कौन से, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे के सारे टर्म एक दूसरे के क्या होने वाले, इक्वल है। ओके, तो मतलब इन सारे चीज़ों में कॉमन यही है कि तीनों एक दूसरे के क्या, चारों एक दूसरे के क्या होते, इक्वल होते हैं टर्म्स। ओके, आगे देखते हैं इसके बेसिस पे हम लोग का जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा हम लोग को चेंज करना है जो हम लोग का यूज आएगा लास्ट में। ओके, तो हम लोग का जो वेंट्स ऑफ फैक्टर है आए उसका क्या हो जाएगा, हम लोग का भी फॉर्मूला, एक्चुअल मास ऑफ पार्टिकल अपॉन मोल्स ऑफ जो सॉल्यूशन हम लोग का डिजोल्व होगा वो। ओके, अभी ये सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ये फॉर्मूला को चेंज किया, क्या चेंज किया, फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस मतलब थेरोटिकल मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन ऑब्जर्व मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। तो चेंज क्या कर देंगे हम लोग, एम थेरोटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व, तो देख सकते हैं ये हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एम थेरोटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व। तो ये हम लोग का आई का लास्ट फॉर्मूला है
स्ट्रेंथ्स ऑफ फैक्टर का, और ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ तक अगर आप सॉल्व करते हो तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है वेंट्स ऑफ फैक्टर के बारे में। ओके, सो ये यहाँ पे हम लोग जो 4 टर्म पढ़े उसके ऊपर ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं थोड़ा। तो हम लोग का जो इक्वेशंस है उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हम लोग को फॉर्मूला याद है, क्या है हम लोग का, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू एक्स टू, यस और नो? यस। तो उसको क्या कर दिया हम लोग ने, डेल्टा पी इज इक्वल टू आई इंटू पी जीरो इंटू एक्स टू, पी जीरो को इस साइड लेके आ गया जो यहाँ था। ओके, अब क्या किया, सिर्फ क्या किया, ये जो हम लोग का वैल्यू है इसका, इसका वैल्यू वो पुट कर दो। तो इसका वैल्यू हम लोग को पता है क्या है, डब्लू टू मोलार मास के बेसिस पे डब्लू टू इंटू एम वन अपॉन एम टू इंटू डब्लू वन। तो ये फॉर्मूला हम लोग को लास्ट में बनेगा किसका, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला क्या था हम लोग का, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, सिर्फ मल्टीप्लाई क्या करना है आई से। ओके, सो आई इंटू के बी इंटू एम, इसके जगह पे क्या आ जाएगा हम लोग का, एम का वैल्यू पता है हम लोग को, डब्लू टू अपॉन एम टू इंटू डब्लू वन, थाउजेंड थाउजेंड इंटू डब्लू टू अपॉन एम टू इंटू डब्लू वन, ये सिर्फ करना है। सिर्फ क्या करना है आपको, जहाँ पे भी हम लोग का टर्म है एम का वैल्यू पुट कर दो। ओके, और वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग ने सेम किया है लास्ट वाले में, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आप देख सकते हैं क्या कर दिया हम लोग ने, वो जो टर्म है उसको यहाँ पे पुट कर दिया हम लोग ने, आर टी अपॉन एम इंटू वी। ओके, सो सिर्फ हम लोग को करना क्या है, वो जो हम लोग के फॉर्मूला से चारों के चारों उसको वेंट्स ऑफ फैक्टर के हिसाब से हम लोग को डिराइव करना है। तो मल्टीप्लाई क्या कर देना है, सिर्फ आई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या कर देगा हम लोग के फॉर्मूला को मॉडिफाई कर देगा फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो चारों के चारों टर्म थे हम लोग के उसके। ओके, तो ये 4 पॉइंट हम लोग का कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर, और ये इस साल के जेई और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, क्योंकि पहले ये जेई और नीट में क्वेश्चन इसके मोस्ट ऑफ टाइम नहीं आते थे, लेकिन इस बार आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। ओके, सो ये चारों के चारों फार्मूला आप याद कर लेना, और इसके पहले वाला फार्मूला आपको याद ही रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जो डिराइव करेंगे फार्मूला, जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें उसका यूज आने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच।